इनइक्वालिटी पहले क्लियर कर चुके हम कि जो इक्वालिटी ना हो वो इनइक्वालिटी में आएगी। अजी अभी हमारा एक मिसलेनियस क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम यूज करते हैं, -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x -3 एंड लेस देन 7। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बाकी सारी चीज़ें बताना है कि क्या इसका एरिया होगा, कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेगा, उसके बारे में हम बात अब करेंगे। तो देखिए, इन दिस केस वी हैव टू लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज हमें मिलती है। कौन कौन सी? फर्स्ट आपको लीनियर इनइक्वालिटी मिलती है -8 इज लेस देन इक्वल टू 5 ऑफ एक्स -3। इसको आप सोल्व करते हैं तो लेके चलते हैं, इसको एक साइड में लेके चलते हैं, दोनों को सोल्व करेंगे। -8 इधर आके प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 ऑफ एक्स, यहाँ से माइनस का 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 ऑफ एक्स। सोल्व करते हैं तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। एक बात आपको यहाँ से आती है, माइनस जो एक्स है आपका, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाता है। ओके, दूसरी बात हमें क्या मिलती है? दूसरी बात हमारे पास है 5x -3 इज लेस देन 7। यहाँ से 5x यहाँ रहेगा इज लेस देन 3, जो है इधर जाके हो जाएगा प्लस का 7 और 3 हो जाएगा ये 10। तो हमें मिलता है यहाँ से x इज लेस देन 5 टू या 10 2। ये दो वैल्यू आपके पास यहाँ से आया है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज लेस देन 2। देखिए दोनों को इकट्ठा करते हैं हम। फर्स्ट आपके पास थी वैल्यू ये x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरी बात जो थी आपके पास x इज लेस देन 2, दूसरी थी आपके पास x इज लेस देन 2। देखिए x लेस देन 2 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। अब इन दोनों में कंपेरिजन कीजिए, x छोटा है 2 से लेकिन x बड़ा या बराबर है -1 से। तो यहाँ से क्लियरली आपको ये एरिया मिल गया कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। x -1 से लेकर के -1 क्लोज बाउंडेड है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का निशान भी है, ये इक्वलिटी का निशान भी है, यानी क्लोज बाउंड होगा यहाँ पर। -1 से लेकर के चलेगा फिर 0, फिर 1, फिर 2। 2 में इक्वलिटी का निशान नहीं है, केवल लेस देन है, यानी यहाँ पर रहेगा ओपन बाउंड, बट यहाँ रहेगा क्लोज बाउंड। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय हो जाएगा x का जो एरिया होगा, इट विल बी, ये आपको मिलेगा -1 क्लोज बाउंड से कोमा 2 ओपन बाउंड, इससे हमारा बिलोंग करेगा x। इसको इस प्रकार से ले लेते हैं हम, x बिलोंग टू -1 क्लोज बाउंड और 2 ओपन बाउंड, ये रहेगा आपका। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। -5 इज लेस देन इक्वल टू 5 -3x। या पूरे को भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ पर आप पूरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जितना सोल्व हो सके वो कर सकते हैं। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू जा 10 इज लेस देन इक्वल टू ये 5 माइनस ये आपका है
फाइव माइनस थ्री एक्स विच विल बी लेस देन इक्वल टू एट टू जा 16। तो अब दोनों को पार्ट यूज़ करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से फाइव जो है इधर आके हो जाएगा माइनस का, बचेगा माइनस का 15 इज माइनस 15 इज माइनस 15 इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 3x। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो लेस देन का है वो हो जाएगा ग्रेटर देन का, और जो ग्रेटर देन है वो लेस देन। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और 3 5 जा 15। माइनस 3 से आपने पूरे को डिवाइड कर लिया, जैसे आप करो क्योंकि माइनस का साइन यूज़ किया है तो इसलिए ये 3 हो जाएगा प्लस का, और ये जो साइन है यहाँ पर जो साइन है आपका ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह ग्रेटर देन का बन जाएगा। अभी इसको सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है यहाँ पर, यहाँ से आपके पास 5 इधर आके माइनस का 16 इज लेस देन इक्वल टू 3x। हमने यहाँ पर इस वैल्यू को उठा के इधर भेज दिया और 16 को उठा के इधर ले आए, बस ये चेंज किया थोड़ा सा ताकि वो उसके माइनस साइन चेंज करने की जो ये वैल्यू ये है आपका लेस देन इक्वल टू, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ से जब आप करोगे नेक्स्ट आपके पास फाउंड होगा फिर वे बचता यहाँ पर माइनस का 16 में से 5 गया 11 हैं इज लेस देन इक्वल टू 3 ऑफ एक्स। जब 3 से डिवाइड करोगे, जैसे आप 3 से डिवाइड करते हो हमें मिलेगा ये एक्स जो है एक्स ये 3 डिवाइड में। तो यहाँ से एक्स बड़ा या बराबर है, एक मिनट, जो ये निशान है आपका, क्योंकि ये आपने लेस देन इक्वल टू किया है तो यहाँ केवल एक ग्रेटर देन का निशान आएगा, 5 इज ग्रेटर देन। तो इन दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं, अब देखिए कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, x जो है बड़ा है या बराबर है माइनस 11/3 से, और यहाँ x छोटा है 5 से। तो x की वैल्यू किस प्रकार से है, बड़ी किस से और छोटी किस से है। x की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू यहाँ बड़ी है, x की वैल्यू बड़ी है इस केस में, यानी माइनस 11/3 में बड़ी है। x बड़ा है 11/3 से, x बड़ा है माइनस 11/3 से, और x छोटा किस से है, x छोटा है क्योंकि x के साइड में बंदवाड़ा सिरा है, x छोटा है 5 से, x छोटा है 5 से। तो एरिया कवर्ड हमें कौन सा मिलता है, एरिया कवर्ड मिलता है माइनस 11/3 से लेकर के 5 तक का, अर्थात एक्स विल बिलोंग टू, अच्छा इक्वलिटी का निशान कहाँ पर है, इक्वलिटी का निशान आपका यहाँ पर है, यानी यहाँ नीचे की ओर है, जहाँ इक्वलिटी का निशान होगा वहाँ एक क्लोज बाउंड माइनस 11/3 और कॉमा ये आ गया आपके पास 5 तक, 5 है ओपन बाउंड, ये आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमने किया है। अभी नेक्स्ट यहाँ आपको दिया है सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, एक आपके पास 3x माइनस सेवन इज लेस देन 5 प्लस एक्स, और दूसरी क्या है आपके पास, ये है 11 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये दो इनइक्वालिटीज आपको दी है, इनको सोल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर भी इसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए फर्स्ट से चेक करते हैं, इन्हें मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। नंबर लाइन पे चेक करते हैं इनको, इसको लेते हैं पहले,
तो यहाँ 3x है, ये x बराबर से इधर आके माइनस को हो जाएगा, माइनस का x और लेस देन 5 इधर आके प्लस का 7। तो आपको यहाँ से 2x इज लेस देन, ये आपका 7 है ना, ये है आपका 7, 7 और 5 12 हैं, तो 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, x इज लेस देन 6। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 11 माइनस 5x है, तो माइनस 5x यहाँ रख लीजिए, माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू, ये इधर आपका 1 था तो इधर आके माइनस का 11, ये बचता आपका, ये बच जाएगा माइनस का 5x इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये लेस देन की जगह एक ग्रेटर देन कंडीशन बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो आपका लेस देन की बजाय ग्रेटर देन बन जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 to 10, ये वैल्यू आ गई आपके पास। यानी x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x से लेस देन इक्वल टू कौन है, ग्रेटर देन इक्वल टू कौन है, देखिए x खुले सिरे की ओर है यहाँ पर, तो यहाँ पर x आ जाएगा आपका ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर खुले सिरे की ओर है तो x हो जाएगा ग्रेटर देन, यानी क्या है, x बड़ा है, x जो है बड़ा है किससे, 2 से, 2 से बड़ा है, और छोटा है 6 से, और लेस देन है ये 6, यहाँ लेस केवल इक्वलिटी का निशान है, ये इक्वलिटी का निशान नहीं है, केवल इतना ही है। तो ये आपके पास एरिया आ गया, एरिया जाता है आपके पास 2 से लेकर के 6 तक का, 2 से लेकर 6 तक का, तो रिक्वायर 2 से लेकर के और 6 के बीच में हमारा x लाई करता है, x लाई करता है, यहाँ पर इक्वलिटी भी है, यहाँ इक्वलिटी नहीं है। तो जब इसको रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल लाइन में अब शो करते हैं हम, यहाँ मान लिया आपका ओरिजिन 0, पीछे -1 -2, आगे चलेंगे प्लस का 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इन्हें अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए 2 से लेकर के, 2 पे तो है इक्वलिटी कंडीशन, अगर यानी 2 को अगर आप पूरा पूरा लें आप, और 6 आपका ये है, 6 पर इक्वलिटी का निशान नहीं है, इट मीन्स एरिया कवर्ड जो होगा वो आपका 2 का तो ये पूरा एरिया कवर होगा इस प्रकार से, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम ऐसे शो करेंगे, इससे शो करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो आपका 2 जो है पूरा कवर होने के बाद जाएगा कहाँ तक, 6 तक, 6 के अंदर एंटर नहीं करेगा, ये 6 से पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तो पूरा कवर है, 2 में इक्वलिटी का निशान है, इसलिए 2 को पूरा कवर कर लिया, लेकिन 6 में इक्वलिटी का निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पर 6 के अंदर एंटर नहीं किया, 6 के बाहर ही रहा। तो ये है आपका रियल लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से इसे हम दर्शाएंगे, इसे सिंपली लिख दिया हमने, ऊपर लिख ही रखा, ये दोबारा लिखने लिख लो, x जो है लेस देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 6। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास
इन एन एक्सपेरिमेंट ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज टू बी कैप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस. वट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इफ कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन. C is equal to 5/9 F minus 32, where C and F represent the temperature in degree. तो ये हमें करना है एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड का कैप्ट बिटवीन 32 जो लेना है कहाँ से कहाँ तक लेना है 30 से लेकर के 35 के बीच में इक्वल नहीं है. और C की वैल्यू हमें क्या दिया था C इक्वल टू दिया था अभी 5/9 और ये है F माइनस 32. इसे हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे बस C की जगह रिप्लेस कर दिया आपने 5/9 और F माइनस 32 should be less than 35 and greater than 30. ये आपको प्राप्त हो गया. अब नीचे डिवाइड में 9 है, 9 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 3 जा क्योंकि 5 भी है तो क्या करते हैं पूरे को 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9/5 से मल्टीप्लाई किया किसको आपने 30 को. विच इज़ लेस देन यहाँ बचेगा आपके पास F माइनस 32 विच इज़ लेस देन यहाँ भी आपने 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आपके पास है इन टू में 35. इन टू में यहाँ पर आपके पास 35, 5 7 35, 7 9 63 इज लेस देन F माइनस 32 विच इज लेस देन 5 6 30 और 6 9 54 यहाँ आ गया 54. तो आपके पास 54 से बड़ा है कौन है F माइनस 32. बट छोटा है किससे 63 से छोटा यहाँ 63 से. तो इसे अब सॉल्व करते हैं. हमारे पास 32 ये है स्पेयर तो सब जगह 32 ऐड कर देंगे. 54 प्लस 32 इज लेस देन F इज लेस देन 63 प्लस यहाँ भी ऐड कर दिया आपने 32. तो 54 और 32 4 और 2 6 5 और 3 8 लेस देन F लेस देन 3 और 2 5 6 और 3 9 यानी फारेनहाइट जो आपका आया है 86 और 95 के बीच में आ गया. यानी फारेनहाइट का जो रिजल्ट है वो आपका 86 degree to 95 degree के बीच में होगा विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम करेंगे. और आज से अब से आपकी लाइव क्लासेस रेगुलरली चलेंगी और टाइम आपको कल यूट्यूब चैनल पर दे दिया जाएगा जो आपके हर एक शेड्यूल होगा कंटिन्यू हर रोज का चलेगा.